नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषि सावंत और आज आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं गुजरात के मोढेरा में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर के दर्शन लेने आया हूँ। मोढेरा सूर्य मंदिर और मोढेरा का गांव 100% सौर्य ऊर्जा से संचालित है। इस भव्य मंदिर को 1206 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव सोलंकी प्रथम द्वारा बनाया गया था। मोढेरा सूर्य मंदिर अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी भव्य लाइट शो चालू हो गया है, तो आप इस लाइट शो को देख सकते हैं। सूर्य मंदिर संसार का सबसे विलक्षण
विचित्र वैविध्यपूर्ण सुंदर सुरू सुघर और सुखर मंदिर है यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। घराने के सूर्यवंशी सोलंकी सम्राट भीम ने प्रथम ने तो यहाँ एक चमत्कार की कर दिखाया। सम्राट भीम ने प्रथम एक बड़े वीर और कथम राजा थे। एक तरफ उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी से टक्कर ली और उससे तोड़े सोमनाथ को दोबारा से खड़ा किया। पूरे गुजरात में तमाम नए किले मंदिर तालाब और बाग बनवाए। उनके अद्भुत शिल्पकृति के आकर्षक साक्षी हैं सिद्धपुर का रुद्र महालय, पाटन का सहस्रलिंग तालाब, आदि और देवबाड़ा के मंदिर। वहीं उनकी प्रिय पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी रानी की गांव। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। मेहसाना से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई है पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश और जल का यह तेल पूरे परिसर को तरंगे पहुंचे। मंदिर के सामने कुंड में 108 छोटे बड़े मंदिर और उनमें रखी विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र दे देते हैं। इसका एक और नाम है रामकुंड। और क्यों जबकि यहाँ विकसित धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढ़ेर का निर्माण करवाया है। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रतिबंध होता है लगता है मानो अग्नि और जल घूमने के रूप से दे रहे हैं। तालाब की तरफ से सीधा चलते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचे हैं एक नया संसार सामने आ रहा है। सोपान का पंडित बारह खंड साल के 12 मास से आते हैं तो 12 अगस्त और 12 गौरी यहाँ अक्षर बने के गई सूर्य देवी को समर्पित का संदेह है शिव विष्णु और ब्रह्मा जी को प्रमाण है और चंद्र के हाथ को निभाए हैं हजारों तीर्थ यात्री यहाँ उत्तराध नदी तक बनाए और सूर्य को प्रणाम करने आते हैं। इस हृदय सड़क पर हजारों देशी विदेशी सैलानी भारत के इस विलक्षण सूर्य मंदिर को देखने साथ ही इसके वैज्ञानिक पद्धतियों को पूजने चले आते हैं। संसार और विशेषकर भारत में बने अधिकतर
वैज्ञानिक सूत्र समझ से बनाया गया है। पूर्व पश्चिम दूरी पर पूर्वोन्मुखी यह मंदिर इस तरह रखा गया है कि विशेष पर्व के दिन यानी उस दिन जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं, सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर ही गिरती है। आज हमने सूर्य की कृपा को एक अलग तरह से भी बटोरना, सहेजना और संभालना शुरू कर दिया है। सोलर पावर या सौर ऊर्जा के रूप में आज जब हमें अपने धरती और पर्यावरण को खनन और प्रदूषण से बचाना है, वैसे में भी सूर्य देवता ही तो हमारे सबसे बड़े मित्र बनकर सामने प्रकट हुए हैं। यहाँ बैठकर जो शो आप देख रहे हैं वो भी दिन में इकट्ठी की गई सौर ऊर्जा से ही चल रहा है। जब हमारा भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन और नीतियों से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बनाने वाला राष्ट्र बन गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।